नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लाए हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बच्चों के स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। इसे बनाने के लिए ऑड की संख्या में आप कितने भी फंदे ले सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप या तो उसी कलर से या फिर सेकेंडरी कलर से, किसी भी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिए गए हैं। ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, इसमें हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। दो लाइन बुनने के बाद तीसरी लाइन में हम इसी रंग के ऊन से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। तीसरी लाइन में हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए सभी फंदे बुन लेने हैं। क्योंकि हमने ऑड नंबर में फंदे लिए हैं, इसलिए लास्ट फंदा सीधा आएगा। अब ये डिज़ाइन का फोर्थ रो है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। हमने तीसरी लाइन में एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाया था, तो इधर से भी देखिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आया है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब हमें देखिए ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे बुनाई करते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें जो सीधे फंदे का ये जो छेद दिखाई दे रहा है, इसमें सिलाई डालना है और एक सीधा फंदा बनाना है। अब उल्टे वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, फिर उन दूसरी ओर करेंगे। अगला फंदा सीधा है, जिसमें हमें नॉर्मली ऐसे ऊपर से ना डाल के एक लाइन नीचे जो ये छेद दिखाई दे रहा है, इसमें सिलाई डालना है और सीधा बुन लेना है। अगला फंदा उल्टा, अगला फंदा सीधा है, तो इसे हम एक इस छेद में सिलाई डालेंगे और सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा, तो चौथी लाइन में भी हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनना है, लेकिन सीधे वाले फंदे को हम एक लाइन नीचे आके तब इसमें सीधा बुनेंगे और उल्टे वाले फंदे को नॉर्मली बुनेंगे। देखिए सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे आके ये जो सीधा ऐसे दिखाई दे रहा है, इसमें हम सिलाई डालेंगे और तब सीधा बुनेंगे और उल्टे वाले फंदे को नॉर्मली उल्टा। अब एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अब अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जाएगा। तो अब दूसरे रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। दूसरे रंग के ऊन से भी हमें इन्हीं चारों लाइनों को दोहराना है, यानी पांचवी लाइन में सभी फंदे सीधे, छठी लाइन में सभी फंदे उल्टे।
सातवीं लाइन में पहला फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप कर देंगे, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर उल्टा, यानी सिंगल रिब में हम सभी फंदे बुन लेंगे। सातवीं लाइन में एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनते हुए, सातवीं लाइन में एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनते हुए सभी फंदे कंप्लीट कर लेने हैं। आठवीं लाइन में भी हमें एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनना है, लेकिन सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे आके तब सीधा बुनना है, और उल्टे फंदे को नॉर्मली उल्टा, सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे स्लाइड में डालेंगे तब जाके सीधा बुनेंगे, उल्टे वाले फंदे को नॉर्मली उल्टा। चौथा लाइन ही मेन लाइन है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। चार लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद उन्हीं चारों लाइनों को दूसरे रंग के ऊन से बनाया गया है। तो सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसे दो रंग में बनाया है। आप चाहे तो इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं, चाहे तो सिंगल कलर में भी बनाएंगे। ये दोनों में सब में ये बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर पे बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।